बागपत में कंधे से उठेंगे पांच जनाजे, माँ के पास दफन होगी 1.5 साल की मासूम। लौटी बेटी बच्ची बोली, मुझे अकेला क्यों कर गए। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बागपत में रविवार रात मेरठ हाईवे पर टोल प्लाजा के पास बाइक सवार 5 लोगों को कैंटर ने रौंद दिया, जिसमें सभी की मौत हो गई। तो में एक युवक, उसकी गर्भवती पत्नी और 3 बच्चे शामिल है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद सब डोला गांव लाए गए। गांव के लोग सड़क पर ही खड़े थे और सभी की आंखें नम थी। लोग अपने कंधों पर शवों को रखकर उनके घर तक ले गए। परिवार का मुखिया मजदूरी करता था, कफन के लिए भी पैसे नहीं है। बड़े भाई यूनुस ने कहा, गांव वालों ने सुपुर्दे खाक करने के लिए चंदा जुटाया है, 5 कफन भी लाए गए हैं, सभी को आखिरी रस्मों में दफन किया जाएगा। 1.5 साल की बच्ची को उसकी माँ के पास दफन किया जाएगा। बाइक सवार फतेह मोहम्मद 35 वर्ष, अपनी पत्नी तबस्सुम 31 वर्ष, बेटी इल्मा 8 वर्ष, इकरा 5 वर्ष और मारा 1.5 साल के साथ बाइक में मेरठ की तरफ से अपने घर जा रहा था। तभी उसकी बाइक को मेरठ बागपत में हाईवे टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद अब परिवार में एक 8 साल की बच्ची फरार ही बची है। जब सबों को घर के सामने रखा जा रहा था, तब वो 8 साल की बच्ची गेट पकड़ कर अपने अम्मी अब्बा को देख रही थी। मृतक फतेह का चचेरा भाई साहिब फराह को सबों के पास ले जा रहा था तो वो पीछे हट गई। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि अम्मी तुम कहाँ चली गई, अब्बू तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले गए, अब मुझे अपने साथ ले चलो। गांव के लोगों ने कहा, अल्लाह ने परिवार में ऐसा कहर ढाया कि पूरा परिवार ही खत्म हो गया, अभी 7 साल की बच्ची की देखभाल कौन करेगा। फतेह के दोस्त फरीद ने बताया कि फतेह हम लोगों से बोल कर गया था कि आज रात तक वह वापस आ जाएगा, फराह का ध्यान रख। देर रात फोन पर पता चला कि पूरे परिवार की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये खबर सुनकर हम लोग सन्न रह गए, यकीन नहीं हो रहा था कि फतेह कभी नहीं लौटेगा। रविवार देर रात ही सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। सोमवार सुबह 5 का शव एम्बुलेंस के साथ उनके गांव डोला पहुंचा। मौत की खबर गांव में पहले ही पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।